Hey guys, welcome back। और दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ एक अनोखी चीज़ लेने के लिए, मतलब हमें जाना है अभी नर्सरी, जो कि हमें क्या कौन सा चीज़ चाहिए था यार। हाँ यार वो जो प्लांट है ना, हमें गप्पी फिश पॉन्ड में लगाना था, तो भाई वो अभी हमें लेने जाना है। तो यार शायद तो मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, क्योंकि ना यार देख सकते हो अभी बहुत ज़्यादा शाम भी हो चुकी है। तो यार मतलब देखूंगा यार मैं उधर से मेरे दोस्त के, मतलब यहाँ पे भी रुक जाऊंगा, देखते हो अभी क्या सिचुएशन वगैरह होती है। तो चलो भाई अभी मैं सीधा मिलता हूँ आपको नर्सरी में। फाइनली मैं अभी पहुंच चुका हूँ नर्सरी में, और भाई यहाँ पे मैंने सबसे पहले देखा भाई वाटर लिली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और यार ये कौन सा तो प्लांट है यार, मेरे पास था यार पहले यहाँ पे ना मॉली फिश की ब्रीड करता था, और यहाँ पे ढेर सारी वाटर लिली है भाई। और मुझे इनमें से अभी थोड़ी चूज करनी है, जो कि हमें लेने जाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, और हम थोड़ा छोटा भी लेके जाएंगे, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेंगे, ज़्यादा बड़ा लेते जल्दी जल्दी फैल जाता है वो, अपना जैसे बिग टैंक में जैसा है भाई, कैसा जल्दी जल्दी फैल गया वैसा ये जल्दी जल्दी फैल भी जाते। तो मैं थोड़ा छोटा लूँगा तो फाइनली दोस्तों मैंने ये जो वाटर लिली का प्लांट है वो ले लिया। मुझे नर्सरी वाले भाई बोले कि भाई आप यही लेके जाओ, ज़्यादा बड़ा लेके जाओगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलो दोस्तों अभी मैं आपको सीधा मिलता हूँ घर पे। वेलकम बैक। तो दोस्तों मुझे कल बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि यार मैं नर्सरी हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर थी, तो थोड़ा देर हो गया। और दोस्तों आज हमें हमारे टैंक जितने भी भाई मैं सब खाली करने वाला हूँ, मतलब इनका जो मॉन्स्टर टैंक है हमें सेटअप इसका भी रेडी करना है, मतलब यहाँ पे हमें स्टोरेज स्टोन्स वगैरह डाल के अच्छा हमें सेटअप बनाया प्रॉपर एकदम, ठीक है। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 के 6 टैंक हम खाली कर देने वाले हैं। और हमारे अभी सेटअप में जितनी फिश है मैं सब काउंट करके मैंने मतलब सब मेरे दिमाग में सब फिट किया है भाई, कौन सी फिश कहाँ पे रहने वाली है। मतलब आपको जो इंस्टाग्राम पे द डेजी फिश है, हमारे चैनल द डेजी फिश करके इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे अपडेट डेली देख सकते हो, को मैंने सब अपडेट वहाँ पे दिया है, ठीक है। मतलब कौन सी फिश कौन से टैंक में रहने वाली है ये सब अपडेट हमने वहाँ पे दिया है, ठीक है। हम क्या करते यार पिजन्स को छोड़ देते पहले, कल बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी यार आने में। आओ 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 आओ, ईगल तो बाहर ही आ गया। आओ 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 आओ। अबे यार क्या हुआ इसको यार, चल 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 चल। आओ 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 आओ। आओ 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 आओ। कोई ब्राउनी किधर? अच्छा उधर ब्राउनी है, ओके। तो एक खुशी की बात ऐसी भाई, हमारे जितने भी पिजन है भाई सबके सब सेट हो गए, ये देख सकते हो भाई सब ने ना घोंसले संभाल लिया उनके। तो हमारे लकी पिजन ने भी संभाल लिया, हमारे परपंज ने भी, हमारे मतलब सारे के सारे पिजन भाई देखो पैर में बैठे हैं सबके सब। कितने यार बहुत जल्दी सेट भी हो चुके हैं, अभी ना इनको जल्दी से जल्दी हमें टोकरियाँ भी लगानी होगी, मतलब जहाँ पे हमारे पिजन अंडे देंगे ना वहाँ पे हम मतलब वो टोकरियाँ वगैरह होती ना वो लगा देंगे। ये कल या परसों में काम कर लेंगे, हमारा जब मॉन्स्टर फिश का जब काम हो जाएगा तब हम ये काम इनका कर लेंगे। फिलहाल के लिए तो ये बाहर आ गए यार बाकी। तो दोस्तों अभी हमारे सारे पिजन हमने ना छोड़ दिए, तो अभी आपको मैं जो सरप्राइजिंग चीज़ थी, मतलब हमारे जो चल ना भाई ऊपर चल स्वामी, ओए ऊपर जाके ना, अभी मुझे ना सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। अभी आपको मैं बता दो क्या इम्पोर्टेंट काम है पहले ना, चलो ऊपर चलते हैं पहले भाई। मैं अभी ऊपर आ गया, और दोस्तों हमारे जो ग्रीन नेट है ना, इसकी जो हाइट है ना दिन ब दिन ना नीचे आ रही है, एक दिन ये पूरा नीचे आ जाएगी और सबके फिश पॉन्ड में गिर जाएगी यार। इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी कोई आइडिया ढूंढनी होगी, क्योंकि ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हवाई चल रही है यार, मुझे ऐसा लग रहा है ना इसे निकाल लेते यार, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हवा है यार, कभी कभी ना बारिश भी आ जाती तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और हाँ पहले ना यार वो काम कर लेते हमारा,
हमारी जो जो बड़ी टंकी ना, जो कि ये वाली कौन सी यार, ये वाली जो टंकी ना, अभी पानी से भर देते हैं क्योंकि हमें करना है कल फिश रूम का काम, मतलब हमें जो वहाँ का जो वाटर है वो चेंज करना है। भाई चले निकाल लेते, पहले निकाल लेते इसको, भरने के लिए रख देते हैं क्योंकि हमारा जो वाटर है ना भाई वो सब शार्क का वाटर है। चल भाई उधर ले, चल उठा। हाँ तू उधर रख दे सिर्फ। तो मैंने कल है ना, कल क्या लाया भाई, हमारी जो वाटर लिली ना भाई, ये मैं फिर से कल लेके आया। वाटर लिली है शायद, मुझे नहीं पता इस प्लांट का नाम, बट मुझे जो नर्सरी वाले भैया बोले ना, वो वाटर लिली है। तो देख सकते हो यार, तो इसे मैंने अभी अच्छे से एडजस्ट कर दिया। भाई कल क्या हुआ था, मैंने इसे जब एडजस्ट किया ना तब ये पूरा पानी काला काला हो गया यार, अभी अच्छा हो गया पानी। यहाँ पे सिर्फ हमें एक बात करनी है, यहाँ पे ना दो एक दो करके ना इसे स्पॉन्ज फिल्टर ऐड कर देने, मतलब स्पॉन्ज फिल्टर से क्या हो गया, जो बारीक बारीक जो घाने ना होगी ना यार, तो ठीक है यार अभी अच्छा होगा, मतलब एक दो दिन में पूरा फैल जाएगा, एक दो हफ्ते में थोड़ा थोड़ा ऐसा फैलने लगेगा, और शायद से एक महीने में ऐसा पूरा फैल जाए यार, क्योंकि मुझे नर्सरी वाले भैया बोले आपका जो गप्पी पॉन्ड है ना उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा फैलेगा। और हमारे यहाँ पे ना जो वाटर कैबेज का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, जो कि हमारे बड़े पॉन्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मैं आपको दिखाता हूँ यार, मतलब है ना वहाँ पे ब्रिड भी चल रही है उनकी वाटर कैबेज की, देख सकते हो ये देखो भाई कितने अच्छे से अभी फैल रही है, वहाँ पे भी फैल रही है अच्छे से, मतलब यहाँ पे हमारे जो वाटर कैबेज अच्छे कंफर्टेबल है, और हमारा जो कमल का भाव सॉरी जो वाटर लिली का जो पौधा है वो भी कंफर्टेबल है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमें दिक्कत है भाई इस चीज़ की, जो कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। भाई आप मुझे कमेंट्स करके बताओ इसका मैं क्या करूँ। देखो यार कितना ज़्यादा लोड है, देखो भाई इतनी ज़्यादा हवा है, देखो भाई पूरा नीचे प्रेशर से इतना ज़्यादा प्रेशर है, मतलब हवा का हवा है ना ऐसी करके जा रही है यार इधर से, इसलिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई इसका क्या ऑप्शन होगा। ओके तो हमारी जो अभी ये ब्लू वाली टंकी ना हमें भर के रख देनी है, मतलब इस साइड में, क्योंकि ना हम नली लगा के हमारे सीधे फिश रूम में इसका जो वाटर है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ का वाटर है ना भाई पूरा शार्क का वाटर है, इसकी वजह से एक दिक्कत है भाई, मैं थोड़ा वाटर पुराना वाटर ये यूज़ करना चाहता हूँ फिश रूम के लिए। आपको पता है यार पुराना वाटर बहुत अच्छा रहता है फिशेज के लिए, तो मैं वही वाटर यूज़ करना चाहता हूँ हमारे फिश के लिए, मैं वही करता हूँ। अभी मैं ना इसको भर लेता हूँ, चल जाओ हम इसको भर लेते पहले। हाँ इधर रख देना उसको इधर से, फिर अपने को नली डालकर नीचे पानी अच्छे से जल्दी जल्दी आ जाएगा, और हमारे जो वाटर जो टैंक है वो जल्दी से भर भी जाएंगे। देखा इधर यार ये सारे डर पे ना यार, हमें ना साइड वाले स्लैब में शिफ्ट करने, बट टाइम ही नहीं मिल रहा यार, कोई उधर से ले इधर से नहीं आएगा, ये सब डर पे ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नली लगा देता हूँ पहले। तो दोस्तों अभी ये जो टंकी है हमारी एक घंटे में पूरी भर जाएगी, और इसे फुल भर देके देना है भाई, क्योंकि जो हम पुराना यहाँ का वाटर यूज़ करेंगे ना बहुत अच्छा रहेगा हमारे फिशेज के लिए। तो अभी उसे फुल भरने देते, फिर मैं आपको नहीं मिलता, पहले हमारे फिश को फूड कर देते। ब्लड वॉर्म ये रही भाई हमारे फिश के लिए ब्लड वॉर्म। तो चलो भाई देते हैं हमारे, पहले तो गप्पी फिशेज को देते यार। ओए कल ना यार हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था ये, मतलब मैंने रात को लगाया तो ये पूरा पानी ना भी ख़राब हो गया, तो मुझे लगा कि भाई फिर से चेंज करना होगा, बट कोई दिक्कत नहीं आई चेंज करने के लिए, फिर से साफ हो गया रे, मतलब जो गंदगी थी ना नीचे बैठ गई फिर से। तो ये देख सकते हैं भाई हमारी टक्सडो गप्पी फिश। यार दोस्तों आज हमारे जो बलून मौली ना भाई थोड़ी बहुत एक्टिव दिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ना कल है ना, कल आपने देखा होगा यार, कल है ना इसी बैठी रहती थी यार एक कोने में ना, इसे बैठी रहती थी, आज थोड़ी बहुत एक्टिव है यार, मतलब आज अच्छा खाना खाना खा रही है यार, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी यार इनको क्या हो गया यार फिर से। तो यार अभी देख सकते हो अभी सब की सब फिश एक्टिव है, मतलब कोई दिक्कत नहीं इनको। ओके यार, और यहाँ पे ना धूप से भी बची रहती है यार, क्योंकि ना यहाँ पे ना सीधी धूप आती है हमारे पौंड पे, यहाँ से देखो भाई यहाँ से ना सीधी धूप हमारे पौंड पे आती है, तो पौंड में आने के लिए मैं यूज़ करता हूँ भाई ये, इससे हमारे प्लांट का भी बचाव हो जाता है और फिश का भी बचाव हो जाता है अच्छे से। चलो भाई अभी नेक्स्ट फीडिंग करते हैं हमारे मौली फिश की, जो कि हमारे सेटअप की बहुत ज़्यादा फेवरेट मानी जाती है। चलो यार हमारी क्यूट सी मौली फिश, चलो आ जाओ 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 आ जाओ
तो यार ये अभी तक है ना आधी भी नहीं भरी यार, मतलब है ना 10% भरी है सिर्फ, और इसे 90% भर के भरने। ओ उसको बॉब आया भाई आज ऊपर, ये देखो भाई ये हमारा बॉब। हे बॉब, बॉब चल आजा भाई, आजा 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 आजा। ये देख सकते हो यार हमारा बॉब अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, मतलब भाई इसे मैंने जैसे ही नेचुरल पॉन्ड में डाला तो भाई पूरा का पूरा एक्टिव हो गया यार। मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई इसे अभी फिर से नीचे शिफ्ट कर दो, तो यार हमें इसे नीचे शिफ्ट करना है, पहले इसका टैंक रेडी हो जाए फिर हम इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो देख सकते हो हमारा बॉब यार, होय होय होय, बड़े दिन के बाद इसका दर्शन हुआ भाई। ये हमारा सेकेंड वाला बॉब है यार, ठीक है ना, पहले वाला बॉब का तो आपको पता ही यार बहुत, मतलब होय बॉब भाई साहब फिर से काटने के लिए आ गए। बॉब बॉब, हे बड़ी, हेलो, चल डरता क्यों भाई, चल ना नीचे, तो बिल्कुल डरता नहीं यार तू, अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया दोस्तों ये। कुछ भी टैंक है ना यार, एक दो दिन में हम रेडी कर देंगे पूरा, ठीक है। अभी तो उसका ही टैंक का पानी भर रहा है यहाँ पे। ओए ओए देखो भाई कितनी ज़्यादा हवाई चलती है, मतलब अभी देख सकते हो, एक मिनट आप ही बताओ यार मैं इसका क्या करूँ। देखो यार कितनी ज़्यादा हवाई चल रही है, मुझे तो ऐसा लगता है ना भाई यहाँ पे ना आयरन शीट वगैरह कुछ ऐसे डाल देनी चाहिए हमने ये निकाल कर, क्योंकि यार है ना ये बहुत ज़्यादा हवा से, देखो भाई बहुत ज़्यादा उड़ता है यार ये ना। दोस्तों आज हमारे सेटअप के सारे परिंदे मैंने छोड़ दिए, मतलब हमारे सारे पिजन, हमारी लिली ईगल वगैरह मैंने सबको छोड़ दिया है। और स्नो का है, स्नो केज के नीचे है वहाँ पे, और ब्लैकी अंदर है। होय 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 होय, और बाकी पिजन कहाँ गए यार, उड़ने के लिए कहाँ पे भी चले जाते यार। तो दोस्तों मैंने अभी एक और नोटिस किया भाई, हमारे जो ब्राउनी है ना, ब्राउनी बहुत ज़्यादा शातिर हो गई भाई, हमारे पिजन को बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने दे रही है, और खुद भी नहीं दाना खा रही है, मतलब क्या गुड़क हो गई क्या ये मुझे नहीं पता यार, बट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है हमारे ब्राउनी। तो मैंने अभी जस्ट देखा, तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, ब्राउनी को फिर से उसके केज में ना बंद कर देता हूँ, क्योंकि यार कब के हमारे पिजन इधर उधर भाग रहे हैं उसको देख के। तो चल भाई, चल उसको ना भाई बंद कर देते हैं, नहीं तो है ना डर जाएगा, ठीक है ना, बाद में आएंगे अपन, चलो ऊपर पहले ना हमारे ब्राउनी का देख लेते हैं। रख दे मेरे पास, दे ब्लड होम, यहाँ पे हमारा ब्लड होम है, चीटियाँ भी इसे लगेगी नहीं भाई। हमारे सेटअप का 50% जो फूड होता है फिशेस का, वो चीटियाँ ही खा जाती है। ओए और एक ब्लड होम का डब्बा कहाँ गया, यहाँ पे होगा शायद से। अब यार यहाँ पर डाफनी है हमारे, कहाँ पे है क्या, हाँ दिखा। तो यार चीटियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है चीटियों ने, नहीं पहले यार ब्राउनी का मिटा लेते फिर इनको फीड करते। चल तो है ना दोस्तों, हमारे जो ब्राउनी ना एक दो दिन से हमें बहुत ज़्यादा नाराज निराशा मिल रही है ब्राउनी की ओर से, क्योंकि ब्राउनी क्या कर रहे हैं ना भाई, सबके सब अंडे ना देखो भाई ऐसे फटे हुए आ रहे हैं ब्राउनी के। ये कल वाला आया, ये परस, ये आज वाला आया, और परस वाला तो भाई पूरा फूटा हुआ था, आधे के ऊपर भी फूटा हुआ था, मतलब यार ऐसे ही कर रहे यार हर रोज, क्या पता यार क्या हो गया यार उसको, मतलब क्या कर रहे यार, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा नहीं हो रही यार वो, मतलब अभी गुड़क तो हो जानी चाहिए थी। और हमारी जो लिली भाई वो एकदम आराम से अंडों पे बैठी है, इसके भी अंडों की हम कैंडलिंग कल या परसों में कर देंगे, मतलब हमें इनके जितने भी अंडे सब चेक कर लेंगे भाई, इसके अंडे है भाई अच्छे है या ख़राब हो गए, ठीक है, मतलब हाँ कल या परसों कर लेंगे, ठीक है ना। हमें स्नो के केज के ऊपर भी थोड़ा बहुत काम करना है भाई, मैं स्नो के लिए तो इसको फ़िलहाल के लिए तो मैं यही केज में ही उसको बंद कर रहा हूँ, इसका भी काम कर लेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि ना भाई यहाँ से ना सीधी धूप है ना यहाँ पे आती, तो भाई हमारे बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे यार गर्मी से, इसकी वजह से मैंने उनको ना यहाँ पे रखा, यहाँ पे आराम से रह रहे हैं हमारे स्नो और ब्लैकी। और स्नो ही तो यार चली गई दोस्त के यहाँ पे, चल चल ब्लैकी आराम से बैठी यार, वो फीमेल यहाँ पे कैसे आ गई यार, बहुत ज़्यादा हातिर हो गई यार ये, चल आ जा, चल आओ 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 आओ, चल 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 आओ 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 आओ, आ जा यार आ गई फाइनली आ गई। अभी लिली को कर देते हैं बंद, अभी यहाँ पे सिर्फ है ना हमारी लिली ईगल, लिली नहीं सॉरी 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 सॉरी, लिली तो उधर है यार अंडों पे बैठी, हमारी ब्राउनी ईगल और ब्लैकी, और यहाँ पे हमारा स्नो बेटा है शातिर, तो इनको बंद कर देते हैं भाई। अभी हमारे सारे सेटअप की फिशेस को भी फीड कर देते हैं, मतलब यहाँ का तो इनका पानी देखो भाई ये सब चेंज होने वाला है, आपको मैं अभी जस्ट बोला,
तो ये हम खाली रहने देने वाले हैं भाई। यहाँ पे हमारे जब तक फिशेस न्यू नहीं आ जाती तब तक हम इनको हाथ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। मतलब अभी हमारे पास मॉन्स्टर फिश अवेलेबल है, तो भाई मॉन्स्टर टैंक हम सबसे पहले करने वाले, जो कि यहाँ पे पूरा नेचुरल सेटअप आने वाला है। मतलब यहाँ पे हम कोई चुरीती वगैरह डाल के अच्छा सेटअप करने वाले, परफेक्ट एकदम। यहाँ पे हमारे जो मॉन्स्टर फिश है, मतलब कौन सी, 1, 2, 3, 4, ये हमारी चार शार रहेगी, और हमारा जो बॉब है वो हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे भाई कह रहे थे भाई आपका जो बॉब है आप जल्दी से जल्दी इसको बड़े टैंक में शिफ्ट करो। दोस्तों मैंने सारे फिशेज को फूड वगैरह दे दिया, अभी लास्ट हमारे फिश बचे हैं जो कि भाई हमारे प्यारे से क्यूट से हमारे गप्पी फिश, जो कि हमारे इधर डेजी फिश की जान है भाई, ये देख सकते हैं यार। और इनके जो बेबीज है भाई ये बहुत ज़्यादा खुश करते हैं, मतलब देख सकते हो यार कितने बड़े बड़े होने लगे यार ये हमारे क्यूट से लिटल चैम्प्स। कितने सारे लिटल लिटल हमारे पास चैम्प्स है, देखो ये देखो कितने सारे बेबीज है यहाँ पे भी ये, और यहाँ पे तो देख सकते हो पूरा झुंड है भाई। अभी ये ना 100 के ऊपर हो गए होंगे शायद यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना। यहाँ पे कुछ प्लास्टिक का वगैरह हम एक टैंक बना देते हैं और हमारे सारे बेबीज ना वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, बट वो देखेंगे यार अगली बात है। पहले तो इनको फिलहाल खाते हुए देखते हैं, मुझे जब ये खाते ना मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको देखने के लिए। हे बडीज, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं भाई हमारे गप्पी फिश। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमें कल करना है हमारे फिश टैंक रूम का काम, मतलब भाई हमारे मॉन्स्टर फिश का टैंक का जो काम है वो करना है। चलो भाई तो मिलते हैं भाई कल के वीडियो में, तो चलते हैं।